मोटोरोला ने अपना मोटो G22 स्मार्टफोन फाइनली लॉन्च कर दिया है और इसी की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसकी प्राइस क्या रखी गई है, इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, क्या क्या इसमें आपको फीचर मिल जाते हैं, तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मेहर, चलिए चलते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मोटो G22 के स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 6.5 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 720x1600 का रेजोल्यूशन मिल जाता है। 90Hz के इसमें आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 20:9 के इसमें आपको एक्सपेक्टेड रेशियो मिल जाता है और 268 PPI के इसमें आपको पिक्सल पर डेंसिटी देखने को मिलती है। तो गाइस ओवरऑल आपको एक काफी अच्छी डिस्प्ले मिलने वाली है। वहीं अगर इसके कैमरास की बात की जाए तो इसमें आपको 50MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपको 50MP का एक प्राइमरी कैमरा मिलेगा, 8MP का इसमें आपको एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है और 2 और 2 MP का इसमें आपको एक माइक्रो कैमरा, एक डेप्थ कैमरा मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 16MP का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। 50MP के मेन कैमरे में आपको f1.8 का अपर्चर देखने को मिलता है। और वहीं मोटो G22 की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर मिलता है ऑक्टाकोर का मीडियाटेक हीलियो G37 का, जो कि 12nm फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है। इसमें आपको हीलियो G35 से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें आपको 15W की फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है। बट इस बॉक्स के साथ में, स्मार्टफोन के साथ में आपको 10W का चार्जर देखने को मिलेगा। मोटो G22 के स्पेसिफिकेशंस तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस बता देता हूं। तो मोटो G22 स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है अभी यूरोप में, जिसमें अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी यूरोप की कंट्री में 169 इसकी प्राइस रखी गई है। इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो समथिंग आपको 14,000 रुपए के करीब इसकी प्राइस रखी गई है।